उनकी बेटियों की शादियां करवाना और कोई भी माली अमदाद का काम होता था तो ये करवाते थे, तभी मुझे इनका वो आधार अच्छी लगती थी। अस्सलाम वालेकुम। अभी भैया आपने एक वीडियो देखी है, एक तो इंसान पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, सबसे बड़ा मसला उसको जो है ना ये है। उसके अलावा जो है ना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसकी महंगाई से परेशान है, फिर ऊपर से जो है सिंध के अंदर सैलाब है उससे बंदा परेशान है, मतलब चारों तरफ से जो है ना परेशानियों के अंदर पाकिस्तान की आवाम घिरी हुई है। उसके बावजूद जो वीडियो देखते हैं ना, मतलब आखिरी हो गए, हम तो परेशान हो गए। अब ये बंदे कहाँ से मिलते हैं, इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है। 18-18, 20-20 साल की लड़कियाँ 60 साल के बुड्ढों में शादियाँ कर रही हैं। अभी उस्ताद कासिम को मैंने ये वीडियो दिखाई है, इस पर जो है ना उस्ताद कासिम अपनी राय का इजहार करेंगे कि ये क्या मसला ये है, कि जवान मर गए हैं क्या दुनिया के अंदर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जवान मरे नहीं है, लेकिन जो हवस है ना पैसे की, अब जैसे उसने कहा जी मेरी माली मदद करता था, मेरी ये करता था, जाहिर सी बात है उसका भी उसका दिल होगा कि मैं मदद कर रहा हूँ तो किसी लालच पे या किसी बिना पे कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है उसने मदद की है तो अब उसको कहा है भाई ठीक है तू मेरे साथ सेटिंग हो जा। लेकिन बात यह है कि वो 18 साल वाली और 60 साल वाली कैसे गुजारा चलेगा, फिर बाद में वो दूसरे को ढूंढती फिरेगी। अल्फाजों में तो यही है, बात ये नहीं है, मेरी बात सुने ठीक है। अगर उसने कोई ना 4 पेनाडोल की गोली दे दी है, हाँ। और क्या नाम उसका, या आटे वाले ने आटा दे दिया 1 किलो, इसका हाँ। मतलब ये थोड़ी शादी कर ले उससे, इसका क्या मतलब है, कुछ और चक्कर है कोई, ये ना ये चक्कर नहीं है। ऐसे तो जवान लड़के यार अपने गुर्दे बेच के आईफोन दिला देते हैं यार लड़कियों को, उनसे शादी भाग जाती हैं लड़कियाँ गुर्दे बेच के, लेकिन उसकी माली मिलकर पीछे देखनी पड़ती है कि पीछे क्या है। हाँ ये बात साद की बिल्कुल सही लगी, मतलब एक तो इनकी इनकम और दूसरे दिन कम। हाँ माल ज़्यादा और दिन कम, माल ज़्यादा और दिन कम, समझे ना। अगर वो आप मोहब्बत नहीं कहोगे, नहीं 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 नहीं, ये पागल बना रहे हैं आवाम को, ये आवाम को पागल बना रहे हैं और अपना माल बना रहे हैं। ऐसी लड़कियों के बारे में या ऐसे बूढ़ों के बारे में क्या कहोगे आप, बूढ़ा भी पागल है और बुढ़ी वो लड़की भी पागल है, लड़की पागल नहीं है बूढ़ा पागल है। लड़की से होशियार है, लड़की होशियार है डेढ़ शानी है, बूढ़ा है आधा शाना, बूढ़े को ये पता नहीं मेरे दिन कम है और माल सारा ले जाएगी, और माल ये सारा ले जाएगी। अब वो आस्ते आस्ते इसको फंसाएगी और वो सारा अपने नाम करवा लेगी, 2 चुम्मी चाटे कर लेगी, बोलेगी ये भी लिख दे, 1 चुम्मा चाटा कर लेगी, ये भी लिख दे, वो बुड्ढा फिदा हो जाएगा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बाद में पता चला बुड्ढा एक्सपायर हो गया, उसने कोई दूसरा देख लिया। अच्छा अगर आपको ऐसा मौका मिले, कोई जो 18-20 साल की 22 साल की लड़की आपको कहे कि उस्ताद कासिम आप बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और हैंडसम लग रहे हो और आप जो है ना आप शाहरुख खान में मिलते हो और आप जो है ना मतलब आपकी तारीफ करे और आपको ऑफर दे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो आपकी क्या राय होगी? ऐसा एक वाकया कराची में हुआ था मेरे साथ। अच्छा हाँ, कराची में मैं जॉब करता था तो रात को 3 बजे कॉल आते थे उसकी। अच्छा तो वो कहती तू मेरे से दिल लगा, मेरे से बात कर, कहीं मिलने का प्रोग्राम बना। मैंने बोला आखिरी में उसको ये बोला बेटा मैं तेरी बाप की उम्र का हूँ, तू किसी कहीं और दिल लगा, मेरे एक ही बहुत है। राज की बातें खुल रही हैं समझे, मेरे एक ही बहुत है, लेकिन अल्लाह बुरे कामों से बचाए। और ऐसी हवस जो है ना जो मर्द के दिल में होती है उस हवस से बचाए, क्योंकि उसके बाद में उसकी मट्टी पलीत होगी और कुछ भी नहीं होगा। सही अच्छा उस्ताद बात ये है कि ये जो आपने कराची की बात बताई राज की, ये बोले
अब हम सुने ना इसे काटने तो नहीं है ना। नहीं नहीं भले सुने, मैं तो सच बोल रहा हूँ जो मेरे साथ गुजरी है। अच्छा लेकिन मैंने मतलब अभी आपको कोई ऑफर दे से करके, अच्छा दूसरी ऑफर दूसरी, अगर कोई जो है ना औरत 25 साल 30 साल औरत लगा लो, जो लड़की नहीं है औरत लगा लो, आपको ऑफर दे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे पास 1 करोड़ का बंगला है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, 80,000 है मेरी सैलरी है और मैं अपने घर पर ही रहूँगी, आप मुझसे शादी कर लें बस, तो आपकी क्या राय होगी? नहीं गलत है, एक जीवन शादी कर रही है ना, नहीं मुझे करनी नहीं। ये आप खाली इसलिए बोल रहे हो ये सब सुन लेंगे तो? नहीं सुन अंदर, नहीं अंदर अंदर दिल के अंदर लड्डू तो नहीं फूट रहे? सुनो मेरी बात, अगर वो कह रही है 1 करोड़ की बंगला है, 80 लाख रुपए मेरी, 80,000 मेरी जॉब है, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, ये वो जॉब है, अगर करे तो फिर जोरू का गुलाम बन के रहे। बने पार्टी बदल लिया साला, नहीं तो फिर आप कर लोगे आप? नहीं 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 बन के रहे जोरू का गुलाम? ना 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 ना, मुझे 40,000 खर्चा देगी महीने पे? मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी अपनी मेहनत अपने हाथ की कमाई खाऊंगा, मुझे जोरू की कमाई नहीं खानी। नहीं तो वो कब बोल रही है कि वो मेरी कमाई खा लो, अपनी कमाओ। नहीं नहीं हम अपनी कमाएंगे, गाड़ी में घुमाएगी वो, वर्ल्ड टूर पे घुमाएगी, बाहर लेके जाएगी। क्या रखा वरी चोल पे घूमना, अपनी मेहनत की कमाई खाओ, अपनी जिंदगी को मतलब आपकी ना है ना ना, एक पे इत्तेफाक है आपका ना, एक पे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों को भी क्या मशवरा देना चाहोगे, दूसरे करने चाहिए? अगर दूसरे करेंगे तो अपनी मट्टी पलीत करवाएंगे। अच्छा ये आपका आपका तजर्बा ही है? मेरा तजर्बा है। आपने तो एक ही किया, तजर्बा कैसे हुआ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ही में खुश हूँ। ये आपका बयान रणमुरीदी की तरफ तो नहीं जा रहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। रणमुरीदी तो वो करेगा ना जिसने की हो, लेकिन आपने नहीं की यार। देखो पिछली वीडियो में आपने कहा है कि सब जानते हैं आपकी वीडियो जो है ना मौजूद है, आपने कहा कि रणमुरीदी में जीत है, वो आपकी जीत की वजह है। दौर की बात बता रहा हूँ, हमारा दौर तो गुजर गया ना। आपने रणमुरीदी नहीं किया? आप यार कौन सा बंदा नहीं करता है, बेगम की बात नहीं मानेगा? क्या बता समझे ना, उस टाइम जब वो वक्त आता है ना, उस वक्त में तो अच्छे अच्छे उसके पांव दबाते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? हाँ ये बता दे। अच्छा उस वक्त में जो वो लमात समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो बात, उस लमात में अच्छे अच्छे पांव दबाते, मेरी क्या हस्ती है, बड़े बड़े एक पे इत्तेफाक करे बंदा, एक पे सुकून, अगर अपनी जिंदगी को सुकून बनाना है तो। बहरहाल उस्ताद से बात करने का मकसद ये था कि यार जो ये वीडियो चल रही है ना 18 और 60 साल वाली, हमारा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने ना, हमें क्यों नहीं मिलती है ऐसी ना, मसला है हमारे पास अपना पैसे नहीं है, हमारे पास जो है ना माल दौलत नहीं है, ये वजह है इसकी, मतलब प्यार मतलब देख के शादी करता, अंधा नहीं होता, ये सब टोपी ड्रामा है। सही है सही है, ये सारी टोपी ड्रामा है कि बुड्ढा 60 साल का लड़की 18 साल की 3 साल बाद बुड्ढा को रख जाएगा। माल मिलकर सारी इधर है, ये वो वजह है, वो दूसरे के साथ ऐशरत करे। मतलब आपने हम और उस्ताद कासिम की बातों से मुझे ये यानी कि ये मैंने निचोड़ निकाला कि जो उस्ताद कासिम की उम्र के हैं 55 साल 60 साल के लोग हैं, उनसे कोई 18 20 साल की लड़की शादी करती है तो वो समझ जाए वो उसकी वजह से, उसकी अच्छाई की वजह से नहीं कर रही है, उसके माल की वजह से कर रही है कि एक तो आपके दिन कम ऊपर से इनकम दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। जिस तरह हाल ही के अंदर डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ हुआ है कि जो उसकी जो है ना जवान बीवी ने जो है ना सारा कुछ जो है ना अपने नाम करवा लिया और बेचारा वो चला गया, उसको जलील भी किया। बहरहाल आपसे जो है ना जो बूढ़े लोग जो है ना उस्ताद कासिम की वीडियो देख रहे हैं, उस्ताद कासिम के मशवरे ज़रूर अमल करें। अगर एक साथ आपके साथ ज़िंदगी के अंदर ऐसा वाक्य पेश आ जाए, अगर आपके पास माल है और ऐसी कोई कॉल आ जाए या कोई ऐसा यानी कि वाक्य आपके पास पेश आ जाए तो बराए मेहरबानी ना कर देना, हाँ मत कर देना, ऐसे ही है? बिल्कुल सही है, वरना फंस जाओगे, ये बता रहा हूँ। उस्ताद कासिम लग रहा फंसा है कहीं, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था तो भाई आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, फिर किसी और वीडियो को किसी और टॉपिक के साथ लेके हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।